हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करियर की सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स भुवनेश्वर के बारे में। ये यार काफ़ी अच्छा एम्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो इसके बारे में हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सीट इनटेक क्या है, कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट मैट्रिक्स की भी आप पर डिवीजन है, कट ऑफ्स क्या जाने वाली हैं, लास्ट ईयर राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री और स्टे मॉप अप राउंड जो हुआ था, स्टे वैकेंसी राउंड जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितनी कट ऑफ्स गई थी। तो राउंड वाइज हम सारी की सारी कट ऑफ्स को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट आप जो इस ईयर में अगर हम बात करूँ कि नीट 2021 की जो काउंसलिंग होगी सर, उसमें कितनी कट ऑफ्स जाने वाली, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ साइड जोन की कट ऑफ्स को लेकर भी हम बात करेंगे। और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एम्स का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी 60% वाला डिफरेंट है। अगर जिसको नहीं पता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एम्स भुवनेश्वर को लेकर, सीट इनटेक कितना है, कितनी सीट्स हैं और सीट मैट्रिक्स क्या है, कैटेगरी वाइज सीट का डिवीजन क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी मॉप अप राउंड में, राउंड वन में या राउंड टू में या मॉप अप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड तक क्या कट ऑफ गई थी, उस पर भी बात की जाएगी। और सेफ साइड जोन इस बार का 2021 की काउंसलिंग भी आप पर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा सीट इनटेक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो एम्स भुवनेश्वर की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो एम्स भुवनेश्वर में आप देख लो कि जनरल कैंडिडेट की 50 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी की 31 है और ईडब्ल्यूएस की 11 है, एससी की 18 सीट्स हैं। फिर उसके बाद में आप ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स हैं और उसके बाद में एसटी की शेड्यूल ट्राइब्स में आपकी 9 सीट्स हैं और जनरल पीडब्ल्यूडी में 3 सीट्स हैं। तो सीट इनटेक का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है इसका आपको अच्छे से बेनिफिट अगर आपको लेना है तो प्रॉपर सीट आप कैलकुलेट करो और उस सीट कैलकुलेशन के बिहाफ पर आपको चॉइस प्लिंग करनी चाहिए, देन आपको एग्जैक्टली अलॉटमेंट आ पाएगी। एक अच्छे से अलॉटमेंट होने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एक मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चॉइस प्लिंग करना तो आप सीट मैट्रिक्स के जरूर पैरेलल कोई कॉन्सेप्ट लेकर चलना। काउंसलिंग की अगर हम बात करें क्या प्रोसेस रहता है, एम्स का जितना भी काउंसलिंग होता है वो 100% सीट्स हमारी एमसीसी के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। mcc.nic.in में ही इनकी सारी के सारी 100% सीट्स का काउंसलिंग होता है, राउंड वन, राउंड टू, आफ्टर देन आपका मॉप अप राउंड। इन केस अगर कुछ सीट्स वैकेंट रहेगी तो जो वैकेंट सीट होती हैं उसके लिए, जो भी वैकेंट सीट होंगी उसके लिए आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराया जाता है जो कि एम्स न्यू दिल्ली कराता है। तो मॉप अप राउंड की कट ऑफ को लेकर हम आगे बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर राउंड वन, राउंड टू की कट ऑफ्स वगैरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट medical.caregeek.in पर विजिट करना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ऑल इंडिया कोटे का टैब बना हुआ है तो ऑल इंडिया कोटे के टैब में आपको क्लिक करना है, देन आपको AMS एम्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको राउंड सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको एम्स भुवनेश्वर सेलेक्ट करना है और भुवनेश्वर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देन आपको कट ऑफ वगैरह वहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कि मॉप अप राउंड की क्या कट ऑफ्स रहने वाली है, मतलब कि लास्ट ईयर क्या थी और इस बार क्या रहेगी, मतलब सेफ साइड जोन क्या रहेगा। मैं बोलूंगा कि जो ये मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ है एकदम सेफ साइड जोन पे रहेगी, इतना आपका होना ही होना चाहिए। जनरल के लिए 677 तक यार क्लोज कर गया था लास्ट ईयर, 677 तक मिला था। रैंक देखोगे तो 811 रैंक के अंदर, मतलब 1000 रैंक के अंदर होना चाहिए तभी हमको एम्स भुवनेश्वर मिल रहा था। ये लास्ट सीट अलॉटिंग है, इसके बाद में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ सीट्स वैकेंट रही होंगी लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिकॉज वो एक तरह से हाईली रिक्स पे चले जाओगे। ये कहीं ना कहीं एक सेफ साइड जोन रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस एनओ तो वहाँ पर आपको 660 तक मिल रहा था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 665 पर मिल रहा था। एससी के लिए 611 पे, एसटी के लिए 587 तक अलॉटमेंट यहाँ पर मिल रही थी। पीडब्ल्यूडी का क्या है कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, सच कोई सिव नहीं है, लेकिन जो जनरल वाला कैंडिडेट है मैं बोलूँगा उसकी कट ऑफ्स वगैरह कुछ इतनी ही रहेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नीट 2021 सेफ साइड जोन के बारे में बात करोगे तो मैं बोलूँगा जितना मॉप अप राउंड में कट ऑफ गया इतना तो आपका होना ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं जनरली अगर बात करूँ कि सर थोड़ा सा मुझे एग्जैक्टली सेफ साइड जोन आप बता दो कि कितना होना चाहिए, जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 680 तक लेकर चलो, ईडब्ल्यूएस का 665 तक चलेगा और ओबीसी का 665, ओबीसी का 668 तक भी वारी कर सकता है, इतना होना ही चाहिए। 620 आपका एससी वाला हो गया, एसटी के लिए 590, बिकॉज कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट या वारी करेगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ हाई करेगी, तो मैं हाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ हाई जाएगी,
हाँ मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के लिए आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, आप थोड़ा सा एक सेफ साइड जोन में रहोगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट क्वेरीज आ रही हैं आपका, कुछ मॉक टेस्ट में 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, 600 आ रहा है, आप एससी कैटेगरी से हो या 670 आ रहा है, सर एम्स न्यू दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस टाइप की अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि medical.karekik.in पर जरूर विजिट करते रहो, उसमें काफ़ी सारे आपको मैंने टैब बना रखे हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर बना रखे हैं, तो वहाँ से आप जाकर अपनी कट ऑफ्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। पर्टिकुलर किसी कॉलेज की आप देख सकते हो, आपको एम्स का देखना है तो आप राउंड वाइज सारे का सारा वहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको एक एज इट इज डेटा मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।